एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। बात है फ्राइडे 10 फरवरी दोपहर 3 बजे की। कनाडा के यूकोन और यूनाइटेड स्टेट्स अलास्कन बॉर्डर पर एक कार जितनी साइज का छोटा सा अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट 40,000 फीट पे उड़ता रेडार पे नजर आता है। उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या था, किसका था, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ऑर्डर से मिलिट्री F-22 जेट से उसे उड़ा देती है। यही नहीं, ये इस हफ्ते का तीसरा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कनाडा यूएस बॉर्डर के एयर स्पेस में नजर आया। पर इससे पहले जो शॉट किया गया वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और ये वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टोटली डिफरेंट थे। Not similar in size or shape to the high altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina. थोड़ा रिवाइंड जाते हैं। एक बलून जैसा ऑब्जेक्ट पैसिफिक से अलास्का एयर स्पेस एंटर करता है 28 जनवरी को। वहां से 30 जनवरी को कैनेडियन एयर स्पेस पास करता है और ठीक 31 जनवरी को कॉन्टिनेंटल यूएस एयर स्पेस में एंटर करता है। अब यूएस मिलिट्री चाहती तो उसे तभी शूट कर देती, बट उनका कंसर्न था कि इसे शूट करने के बाद उनके टुकड़े नीचे सिटीज में गिरने का रिस्क है। कुछ टाइम बाद चाइना इस बलून की ओनरशिप लेती है और कहती है कि ये एक सिर्फ स्ट्रे वेदर बलून है। पर यूएस और नासा जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि ये सर्विलेंस बलून है और ड्यू टू सेफ्टी एंड कंसर्न यूएस बलून को अटलांटिक के ऊपर पहुंचने का वेट करती है और फिर F-22 की मिसाइल से उसे उड़ा देती है। अब आते दोबारा 10 फरवरी पे। अब ना तो किसी कंट्री ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ना ही वो कोई रेगुलर दिखने वाला एयरक्राफ्ट था। क्या था क्या नहीं था कुछ भी क्लियर नहीं है। अब लोगों का कहना है कि वो एक एलियन UFO था और कुछ लोगों का कहना है कि चाइना कुछ स्पेस के थ्रू प्लान कर रही है US और कनाडा के अगेंस्ट। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके बताओ।